कभी भी आप बीज मंत्र चाहते हैं काली का, तो क्लीम जल्दी बोलो, KLEEM, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। ये बीज है, लक्ष्मी जी का इतना बड़ा स्तवन है, उनका श्रीम जल्दी बोलो, श्रीम SHREEM, ओम श्रीम नमः। गणेश जी का गं एक शब्द, हनुमान जी का हुम ओम हुम हनुमते नमः। ये हुम इतना छोटा सा है, हनुमान जी उसके वशीभूत है। मंत्र परम लघु जासु वसु बिलियरी अंतरु गर्भ। तो मां ये जो जाप है ना यज्ञों, भगवान ने कहा कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, भगवत नाम का जो जप है वो बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत तेज की प्राप्ति होती है। नामी नाम के थ्रू आप चले जाइए किसी भी दुकान में या किसी भी दुकान में, और आपको दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए या साग सब्जी कुछ भी चाहिए, तो नाम तो चाहिए ना, बोलो। बिना नाम के कहोगे दवाई दे दो, दवाई दे दो, काहे की दवाई दे दो, बोले दवाई दे दो, उल्टा काम हो जाएगा। श्री राम जय राम। नाम के बिना साग सब्जी कूड़ा करकट गार्बेज कुछ नहीं मिलता, नाम के बिना प्रभु कैसे मिलेंगे। इसलिए कहा गया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये जो मंत्रों का छाप है, हमने बीच में आपको एक बात कही थी कि रवि तांबूल सोम को दर्पण मंगल को गुण करिए, अर्पण बुद्ध दही गुरु धनिया खाई। ये यात्रा की रविवार को पान का पत्ता डाल खा करके जिस काम पर जाओगे तुम्हारा काम होगा, सोमवार को शीशा में मुंह देखो चल पड़ो काम होगा, मंगलवार को गुड़ खा के जाओ काम होगा, बुधवार को दही खा के जाओ काम होगा। लंबा है, श्री राम जय राम। संडे मंडे व्हाइट ड्रेस, ट्यूजडे को रेड या नियर टू रेड, बृहस्पति बुधवार को एनी कलर, अब बृहस्पतिवार को पीला कलर, शुक्रवार को फिर सफेद, शुक्र का रंग सफेद होता है, और शनिवार को ब्लू ब्लैक। ये ऐसे साधन है, इससे सक्सेस कामयाबी मिलती है। हम पूजा कर रहे हैं दुर्गा जी की और फूल चढ़ा रहे हैं पीला, गलत है, पीला फूल लक्ष्मी का है। माता रानी का सुवा सुवा चोला वाली माता तेरी सदा है, लाल है, शंकर जी का श्वेत है, शंकर जी का शनि देव, बहुत से फूल है आपको मैं याद खराब कर देता है। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। मंत्र जाप का हमें फल क्यों नहीं मिलता, इसलिए कि बस रूटीन में जब रहे माला हो रहा है, मन कहीं घूम रहा है, कहीं फिरे मन वहां कहीं फिरे माला, प्रभु को ऐसी भक्ति से नहीं मिले, नहीं मिलेगा। माला तो कर में फिरे जिबो फिरे मुख मारे, मनवा तो कहीं और फिरे, ये है सुमीरन लाइन, भगवान ने अंडरलाइन किया है। बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मेरा, और मैं आपको ठीक कहता हूं, मेरा अनुभव है। कईयों के कार्य बने रुके हुए बनते हैं, कईयों के रोग दूर हो जाते हैं जिन मंत्रों का मैं बचपन से जाप कर रहा हूं। हमको तो कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन किसी ने अगर कहा तो जल पड़ा वो दिया। टेलीफोन पर
बात करते हैं और मंत्र सुनाते हैं और ठीक होता है, यहां से भी हुआ है। उस सब मेरा चमत्कार नहीं है, मंत्र का प्रताप है, साउंड का प्रताप है। श्री राम जय राम जय राम। लेकिन विश्वास के साथ करो, मंत्र जाप अंडरलाइन है, मंत्र जाप बदल विश्वास पंचम भजन सुपीर प्रकाशा। ये वेदों में प्रकाशित है ये बात कि मंत्र के जाप कीजिए, मंत्र के अधीन बड़े बड़े देवता है। हमारे आचार्य ने कहा कि सभी देवी देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अधीन है, उनको पता है। श्री राम जय राम जय जय राम। हम कहते हैं रामायण की पहली चौपाई है बंदो प्रथम मही सुर चरणा। मही मतलब पृथ्वी के जो देवता है ब्राह्मण, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता है, संत तो संत है। एक ने कहा कि स्वामी जी, हमने कहा जी बोले अब ऐसा ब्राह्मण कहां मिलते हैं। मैंने कहा तू कौन है, ऐसा भगत भी अब पहले जैसे कहां मिलते हैं, जैसा तू है वैसा तेरे पंडित है, जैसी तेरी नियत है वैसा है। लेकिन हंसी मजाक में भी अगर आप संत और ब्राह्मण की निंदा करते हैं तो मां पाप काटिए जीव जो बसाई, सरल बूंद न तो चलिए पराई। और हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप होने को घात समाना। संत ब्राह्मण भगवान और गौ की निंदा सुनने के बाद गो हत्या भी जैसा पाप लगता है। जब कोई निंदा चूली फलनिया फलनवा कर रहा हो ना, तो उसके फेस की तरफ देखो, फेस की रीडिंग करो और उसके ऊपर दया करो कि ये इसी तालाब का मछली है और इन मछलियों की निंदा कर रहा है। हम साधु के भेष में हैं। ठीक बात है कि साधु के भेष में एक बार रावण भी सीता जी को चराने आया था इस भेष में, कितना गलत था। लेकिन राम का संतों के प्रति जो आदर था, ऋषियों के प्रति जो आदर था, वो तो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उसके बाद हर आश्रम में जाकर महात्माओं को निर्भय किया। निश्चय ही करम है भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदी। तो कभी नहीं संत की ब्राह्मण की निंदा नहीं। धर्म स्थान धर्म विग्रह, धर्म ग्रंथ धर्मोत्सव धर्म विग्रह धर्ममूर्ति, इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। संत शंभु संत शंभु स्त्रीपति, संत की शंकर जी की स्त्रीपति विष्णु भगवान की, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए तहा जहां तहां असमर जाता, इनकी निंदा कोई कर रहा हो तो काटिए जीव जो बसाई, श्रवण मूंद न तो चलिए पराई, उसकी जीव कर दो। अगर तुम सक्षम नहीं है तो काम बंद करो और आंसू सो। सबके निंदा जे जड़ गई, तेज चमकादुर हुई होता रही। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए हमारी वाणी की तपस्या है। तो भगवान ने कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश। और मां ये छठवीं भक्ति बड़े छठ तम शील विरति बहु कर्मा, इसको सुनिए। ये भगवान की भक्ति नंबर 6, इसके 4 पार्ट से है। छठ दम दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर संचर धर्म, 4 पाठ है। दम दम का मतलब दमन इंद्रिय का मतलब सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा आ गया है, अब वाणी की साहित्य बिगड़ने वाली है,
कोशिश करो, क्योंकि जब गुस्से में बोलता है आदमी ना, तो उसको पता नहीं है कि क्या बोल रहा हूं, शांति बिगड़ जाता है। ऐसे ऐसे कठोर बात उसके मुख से निकल जाती है कि साहब जीवन बिखर जाता है। शब्द का मार, एक बार टूट गया दिल ना, कच्चा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटत फिर झूठत नहीं, झूठत गांठ पड़ जाए। इसलिए वाणी का संयम, दम, दम का मतलब सेल्फ कंट्रोल। श्री राम जय राम, जय राम। ये वाणी का कंट्रोल, सुनिए ना, आंखों का कंट्रोल। किसी की बुराई देखे रहो तो काहे को देखते हो यार, पर्दा कर लो, क्योंकि जो देखोगे वही चिंतन होगा, वैसी वृत्ति बनेगी, वैसा ही कर्म होगा। देखो एक बार, श्री राम जय राम, जय राम। तमन इंद्रिय वाणी का, आंखों का, आप कुछ भी देख लीजिए, खूबसूरत से खूबसूरत सब चीजें आपको देखने के लिए बनी है। किसी हसीन युवती को देख लो, क्या बात होता है, आप पीने दिया रहा बात है, देखो रज के फुलवाड़ी में जाओ, सभी फूलों को देखो। गुनाह तब होगा जब उसको तोड़ोगे, तोड़ करके सजाओगे, फंस जाओगे। ये खूबसूरत प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसार तुम्हारे लिए है, लेकिन उसको देखने के बाद थिंक। लाहौर की बात जब महात्माओं से सुना कि एक महात्मा जा रहे थे और एक युवती स्नान वगैरह कर करके अपने झरोखे पर खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी।